स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय नीता चंद्रा में। जैसे आप हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे नाइन्थ, उसका हम पार्ट वन और पार्ट टू कर चुके हैं, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करा था। अब हम करेंगे पार्ट थ्री, जिसमें हम बात करेंगे कि करेक्ट अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, वेटेज मीन कैसे निकालना है और कंबाइंड मीन कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि करेक्ट अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट है क्या। इसमें क्या होता है कि जैसे एक क्लास है, क्लास में हमने बच्चों के मार्क्स लगाए, जैसे 10 बच्चे थे मेरे पास, तो हर किसी के मार्क्स है, किसके 10 है, किसके 12 है, 10 में से। ठीक है, लेकिन कई बार मेरे से क्या हुआ, गलती होगी, मैंने 9 की जगह 8 बच्चों के मार्क्स ऐड कर दिए और मीन निकाल दिया। अब मुझे मीन ठीक करना है, क्योंकि जो मैंने करेक्ट नंबर लिया उसकी जगह मुझे जो इनकरेक्ट लिया उसकी जगह मुझे करेक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन, एक्स के ऊपर बार हमारा मीन होता है, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट जो आएगा हमारा वो, प्लस में करेक्ट डिजिट कि जैसे हमारे पास करेक्ट नंबर होगा वो, माइनस करेंगे इनकरेक्ट अपॉन में एन, एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट या जितने भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसका हमारे फॉर्मूला याद रखना है पहले तो। ठीक है, अब जब हमने इनकरेक्ट मीन निकाला तो जो ये हमारे पास सिग्मा एक्स है, ये भी इनकरेक्ट आया होगा, इसमें से हम करेक्ट नंबर जोड़ेंगे, इनकरेक्ट क्या करेंगे माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ आइटम जितनी भी है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरी क्लास थी, टोटल स्टूडेंट मेरे पास 100 है, कितने हैं 100, उसके बाद मैंने मीन निकाल दिया क्लास में बच्चों का 40, कितना निकाल दिया 40, उसके बाद मुझे पता चला करेक्ट मार्क्स एक बच्चे के 53 आए थे, बट मैंने गलती से कितने लगा दिए उसके 83, कितने लगा दिए 83। अब मुझे करेक्ट मीन निकालना है, अब ये तो हमारा इनकरेक्ट मीन है, हमें क्या निकालना है करेक्ट मीन। तो मुझे सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम मीन निकालते हैं हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिंपल सा है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे सिग्मा एन और यहां से सिग्मा एक्स। ठीक है, अब मीन कितना है हमारे पास, यहां से देखते हैं, मतलब दोनों चीज बराबर आएंगे हमारे पास, मतलब सिग्मा एक्स भी और मीन और एन को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्या आएंगे हमारे पास बराबर। तो मैं क्या करती हूँ, मीन कितना मेरे पास 40, मतलब 40 और एन कितना मेरे पास 100। ठीक है, तो मेरे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 4000, इतना। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर्मूले में, तो हमारे पास क्या बोला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 4000। अब करेक्ट डिजिट कौन सा हमारे पास, करेक्ट नंबर था हमारे पास 53 और इनकरेक्ट कौन सा था हमारा 83, मतलब गलती से मैंने 83 उसके ऐड कर लिए थे, इतना। ठीक है, और अपॉन में कितना है हमारे पास 100, कितना है 100, और जो ये मीन है वो कितना दे रखा हमें 40, कितना दे रखा है 40, तो 4000 माइनस कर लें 83 और 53, 0 और यहां से 30। ठीक है, प्लस माइनस माइनस अपॉन में 100, इतना। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट मीन, ये सॉरी करेक्ट मीन का फॉर्मूला है, तो हम इसको सिर्फ मीन ही लिखेंगे अभी, हमें करेक्ट मीन निकालना है। हमने लिखा 4000, करेक्ट नंबर कौन सा था हमारा 53, इनकरेक्ट कौन सा था हमारा 83, हमने इन दोनों का माइनस करा, माइनस का 30। अब हम क्या करेंगे, 4000 में से 30 माइनस करेंगे तो जाएगा 3970। ठीक है, और अपॉन में 50 रुपए है, कितने रुपए है 50। ठीक है, लेकिन मुझे क्या हुआ, उसमें 4 रुपए ऐड करने थे, लेकिन गलती से मैंने 5 रुपए ऐड कर दूं, तो 5 माइनस कर दो, ये ऐड करके ये कर दो माइनस। तो ये हमारा इतना छोटा सा फॉर्मूला है जो हमारे यहाँ है कि करेक्ट मीन निकालना है, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट नंबर आएगा वो हमारा, और करेक्ट नंबर जो हमारे पास होना चाहिए था इनकरेक्ट, जो मैंने गलती से ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या कर दूंगी मैं माइनस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पार्ट थ्री में, फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। अब इसमें क्या है, हमारे पास मीनी है और हमें क्या निकालना है, जो वैल्यू मिसिंग है उसको निकालना है। जैसे लाइक हमारे पास 5 बच्चे हैं, 5 के हमें मार्क्स मतलब पता है, उनका हमें मीन निकालना है, लेकिन एक बच्चा अब्सेंट है, उसके हमें मार्क्स नहीं पता, तो उसके हमें मार्क्स पता करने कितने, लेकिन हमें मीन पता है हमें कितना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीन की वैल्यू हमें पता है 30 है। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारा मीन कितना आया 30, जो ए बच्चा है उसके 5
5 मार्क्स हैं, जो बी है उसके 6 हैं, जो सी है उसके 8 हैं, जो डी है उसके हमारे पास रख लेते हैं 3 हैं, और जो ई बच्चा है उसके मार्क्स हमें नहीं पता, उसके मार्क्स हमें नहीं पता, तो हमें उसके मार्क्स निकाले। तो सबसे पहले हमें मीन निकालने के लिए फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, जब इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मीन कितना है 30, सिग्मा एक्स करते कैसे हैं 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है, और हमें इसके नहीं पता, इसको मान लेते हैं एक्स। तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 8 3 5 x, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 अपॉन में 5, ठीक है ना। आप क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 5 3 15 मतलब 150 आ गया हमारे पास, इनको ऐड करते हैं 5 और 6 11 8 और 3 11, तो कितना हो गया आपका 22 प्लस में x इतना, ठीक है। अब ये प्लस है इधर कर माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। आप क्या करना है 150 में से 22 माइनस कर दे, 10 में 2 है 8, 4 में 2 है 1, और तो हमारे पास दूसरे बच्चे जो एक बच्चा था उसके मार्क्स कितने मान लेंगे हम 128, ठीक है। अभी हमने करा इंडिविजुअल सीरीज का, अगर हमारे पास डिस्क्रीट या क्रॉस इंटरवल सीरीज आ रहा तब कैसे करना है फाइंड मिसिंग वैल्यू में। तो सपोज हमारे पास बच्चे थे, हमारे पास जैसे 2 मार्क्स हमारे पास 3 बच्चों के आए हैं, 4 हमारे 6 के आए हैं, 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो 8 मार्क्स है वो 4 बच्चों के हैं, और हमें मीन गिवन है 10, कितना गिवन है 10। अब करना क्या है इस वैल्यू में, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला देख लेते हैं कि मीन निकालने के लिए फॉर्मूला था सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई, तो हम पहले एफ आई निकाल लेते हैं 6 3 9 9 4 13, तो 13 प्लस में एक्स ये इतना हो गया, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं है, ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई। अब निकालते हैं एक्स आई और एफ आई, तो 3 2 6 6 4 24, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 8 4 32, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास क्या 6 4 2 मतलब 8, 6 4 10 6 4 10 12 2 1 2 3, और हमारे पास 6 9 10 11 12, ठीक है, सॉरी 2 मिनट, हमने 6 को भी ऐड कर लिया, 12 हो गया था, इसको करते हैं 2 3 3 और 3 6, ठीक है, और प्लस में 6 है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास वैल्यू x की, तो उसको हम क्या करेंगे अलग प्लस। अब हम करते हैं वैल्यू की तरफ, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 10, सिग्मा x आई एफ आई हमारे पास कितना आया 62 प्लस में 6x, और हमारे पास एफ आई की वैल्यू क्या है 13 प्लस में x, मतलब बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे 10 13 प्लस में x, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 62 प्लस में 6x, मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 130 प्लस में 10x, ठीक है, पहले 10 को हमने 13 से करा 130 आ गया, 10 को फिर x से करेंगे 10x आ गया, यहां से 62 प्लस में 6x। अब x वाली एक तरफ विदाउट x वाली एक तरफ 130 माइनस 62 6x, ये प्लस में हो जाकर माइनस, ठीक है, बस क्या जाएगा माइनस इतना, ठीक है। अब 130 में से करते हम 62, 10 में 2 गए 8, 2 12 में 6 गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 68, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 4x, इतना ठीक है, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा x की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, मतलब कंबाइंड का मतलब एक दो मतलब इकट्ठे, मतलब जब दो या तीन मीन को हम एक साथ निकालते तो फॉर्मूला है हमारे पास मीन 1 2, अभी 1 2 क्यों लिखा क्योंकि मैंने 2 वैल्यू ले रखी है, अगर मुझे 3 वैल्यू का निकालना होता तो मेरे पास फॉर्मूला बनता 1 2 3 कि 3 निकाल रही हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला x1 n1 x2 n2 x3 n3, ठीक है, और ये मीन है, और नीचे आता हमारे पास n1 n2 और n3, या कितने का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्लास है प्लस वन ए सेक्शन में 60 बच्चे हैं और उनका मीन आया एग्जाम में 40, मतलब मार्क्स उनके 40% मीन है हमारे पास। सेक्शन बी है उसमें 40 स्टूडेंट है, उनका मीन 35 है, तो मतलब पूरे हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 100, टोटल स्टूडेंट हो गए 100। अब इन दोनों को कंबाइन करके मीन हमें बताना है कितना आएगा,
तो हमारे पास फॉर्मूला यही है, वन और टू, वन और टू। अब यहां से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, जो मीन वन है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 40, और जो एन वन है उसकी वैल्यू हमारे पास 60, ठीक है। और यहां से जो एक्स टू है मतलब दूसरा मीन कितना है 35, और जो एन टू है मतलब दूसरी क्लास में बच्चे कितने हमारे पास 40, ठीक है। तो ऐसे और भी हो सकते हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ दो का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ आपको, ये हो गया हमारे पास। अब निकालना है मीन, तो मीन निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एक्स वन टू, एक्स वन एन वन प्लस एक्स टू एन टू अपॉन में एन वन प्लस में एन टू, ठीक है। तो एक्स वन लिख लेते हैं हम, कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं। एक्स वन की वैल्यू क्या है 40, एन वन कितना हमारे पास 60, इतना क्लियर है। उसके बाद एक्स टू की वैल्यू हमारे पास 35, एन टू की वैल्यू हमारे पास 40, और प्लस में एन वन कितना हमारे पास 60 और एन टू हमारे पास कितना है 40, इतना ठीक है। नेक्स्ट एक्स वन टू हम निकालना है, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 20 400 मल्टीप्लाई कर ले, 5 6 20 12 13 14 और अपॉन में 100, इतना ठीक है। दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास 2400 और ये हमारे पास 14 008 और 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, मैं यहां लिख लेती हूँ 38 और अपॉन में 100, इतना ठीक है। 2 0 2 0 कट गया हमारे पास, तो हमारे पास कंबाइंड मीन आ गया 38, ठीक है। तो ये का कितना है 38। तो हमारे पास चैप्टर में यही था, एक और है वेटेज मीन। तो वेटेज मीन हमारे पास एक्चुअली क्या है, जब हम निकालते हैं x और f, f की जगह हमें वेट दे रखा है, आप कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपका f आएगा वहां पे आप वेट लिख देना फ्रीक्वेंसी की जगह, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पार्ट 3 में यही फिनिश होता है, इसके बाद हम मोड और मीडियन करेंगे। और अगर आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे अभी तक तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है बेसिक कंसेप्ट के लिए आपकी, आपको मीन क्या होता है पता हो, ताकि उसके बाद कंबाइंड मीन निकाल सके।